बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सिविल प्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो नई वीडियो है वो ईए नेशनल परमिट के बारे में, और उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड में जो है उनके जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो है एक मंथ के लिए जो है लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, और उसी सिलसिले में अब हम परेशान थे कि जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी नवंबर की, और 20 नवंबर तक जिनकी भी जो अपॉइंटमेंट थी वो ओपन थी जो, और जहरी सी बात आप सब ने बुक भी की थी, बहुत अच्छी बात थी। अब हम टेंशन ये थी कि हमने जो अपॉइंटमेंट बुक कर ली, फाइल जमा करा दी, फीस जमा करा दी, तो क्या आया अब हमारा जो जेरी है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके बारे में उन्होंने अपडेट हमें दी है कि आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं कि जेरी जो है वो अपना काम प्रॉपरली जारी रखेगा। एक बात, आपने अगर अपॉइंटमेंट ले ली है यूके की तो वेल एंड गुड, और आप अपनी फाइल को अपने टाइम पे जाएं और अपनी फाइल को सबमिशन करवाएं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें, जो है बाकी जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो सारे कंप्लीट करें, और जो जेरी है वो उस काम को डील करेगा। और क्योंकि एक मंथ की बात है और जिसमें से जो है काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर भी चुके हैं, और इतना इशू वाली बात नहीं है, और जैसे भी वहाँ आपको पता है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मिनी लॉकडाउन के बारे में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि आप लोगों ने लॉकडाउन क्यों किया है, तो इसी सिलसिले में वो भी इस पर इकदाम कर रहे हैं, पब्लिक जो है वो इस पर एहतजाज कर रही है कि आप लॉकडाउन ना करें, आगे बहुत ज़्यादा क्राइसिस के शिकार हो चुके हैं सब, तो अब वो लॉकडाउन पर एहतजाज हो रहा है। और सेकेंडली आप जेरी ने भी नोटिस जारी किया कि हम आपका काम रखेंगे या अपना काम जारी रखेंगे यूके की या इटली की, जहाँ भी लॉकडाउन के असरात नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ अब बेफिक्र हो जाएं क्योंकि जेरी जो है वो अपना काम करेगी प्रॉपरली। जिन भाइयों की भी अपॉइंटमेंट है इटली की है या फिर यूके की है, ज़्यादातर मैंने यूके के बारे में ही बताया कि यूके की जो है काम वो जारी रखेंगे, और आपकी अपॉइंटमेंट जो है बेकार नहीं जाएगी, आप अपना काम जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं, फीस जमा करें, फाइल सबमिशन करें, और इंतज़ार करें अपने वीज़ेज़ का, और इंग्लैंड यूके चले जाए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड में इटली में जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला बंद है और तकरीबन मंथ हो चुका है एक कि अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हुई, तो उस सिलसिले में अभी तक हमारे पास फर्दर नोटिस कोई नहीं आया, कोई अपडेट नहीं है जिसके बारे में हम आपको अभी तक गाइडलाइन दे सकें, तो अभी तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और बाकी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।